श्री कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः। आत्मसिद्धि के लिए परमात्मा की भक्ति और महात्मा के लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। संत जो होते हैं वह धर्म के प्राण है। ऐसे ही वर्तमान में श्रवण संस्कृति के एक महान ज्येष्ठ श्रेष्ठ ओल्ड बोल्ड और गोल्ड एक संत हुए जो ज्ञान ध्यान के मंदिर थे, समता और साधना के साक्षात एक मूर्तिमान कीर्तिमान स्तंभ थे। चारित्र चर्या से जिन्होंने श्रवण संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया, मूलाचार ग्रंथ में कहा गया है गाथा नंबर 206 में संत जीवंत तीर्थ। उन्होंने अपने जीवन में चेतन तीर्थों को संतों को भी दिया और अचेतन तीर्थों का भी उद्धार किया। समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी और प्रसाद सागर जी जैसे अनेक जीवंत चेतन तीर्थों को उन्होंने एक चेतना दी जो चारित्र और चर्या से एक अपने आप में एक आदर्श जिन्होंने प्रदर्शन किया था। अनुशासन प्रिय थे जो, जिनके जीवन की विशेषता कि वह कभी अपने जीवन में विवाद में नहीं पड़े और कोई विरोध से वह दूर रहते। समय सार जिनकी आत्मा थी, मूलाचार जिनका जीवन था और मूल आराधना भगवती आराधना को जिन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया था, जो जनप्रिय के साथ जैन प्रिय और आत्म प्रिय और परमात्मी प्रिय भी एक महान संत हुए। महान आत्माओं, प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने जो कहा है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सोति समोणि दिट्ठो, प्रवचन का सार की गाथा नंबर 7 में चारित्र एक अद्भुत चारित्र और चर्या के जो धनी थे। पंचास्ती काय की गाथा नंबर 336 में कहा गया एक प्रशस्त राग, एक ऐसे संत थे जिनके देह से जो विदेह में अपने लीन हो गए, उस संदेश ने भारत के संपूर्ण श्रवणों को, संपूर्ण श्रावक को और संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग पर जो वज्रपात हुआ है, जो एक अपूर्व क्षति हुई है, वह शब्दातीत है। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी से लगभग 40 वर्ष पूर्व से उनका संसर्ग, उनका संपर्क और सानिध्य मुझे घर में था तब और ब्रह्मचारी अवस्था में भी प्राप्त हुआ। और जब कुंडलपुर के बड़े बाबा 17 जनवरी को उठे थे तो 2006 में हम लोग प्रतापगढ़ चातुर्मास से समले शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे। उस दिन आचार्य श्री का समागम और सानिध्य और वात्सल्य कुंडलपुर में हम लोगों को 4 दिन आचार्य श्री के
संत जहाँ संत भवन थे उसके सामने अभिनंदन कक्ष में उनके साथ रहने का, उनके साथ संपूर्ण आहार और उनकी भव्य सानिध्य और उनका, मेरा ये सौभाग्य है कि आचार्य श्री के चार दिन में समागम मिला, उसमें तीन बार तीन दिन हमारे सिर पर आचार्य श्री ने हाथ रखा और हाथ और पिछी एक साथ रखा। आचार्य श्री को नया पिछी प्रदान की गई की थी मैंने, उनके पाद प्रक्षाद हमारे साथ प्रतापगढ़ के समाज के लोग थे और भव्य और दिव्य उनकी पूजन की थी। वह एक, मैं तो यही कहूँगा, श्रवण संस्कृति की और जैन धर्म के एक एंटिक पीस थे, जिन्होंने अभी पंडित मरण किया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भविष्य में वह पंडित पंडित मरण बने। उनकी गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वह अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। जिन्होंने जिन धर्म की जो प्रभावना की है बुंदेलखंड में के लोगों को और संपूर्ण भारत में जो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की है, ऐसे महान आचार्य भगवंत आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वह स्थिते। मैंने 40 वर्ष पूर्व जो देखा था कि आचार्य श्री एकांत प्रिय थे, आत्मा के स्वरूप में रमण करते थे। एक अद्भुत संत हमारे आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में हुए हैं, क्योंकि वीर सागर जी के शिष्य हमारे ज्ञान सागर जी आचार्य भगवंत से और शिव सागर जी के शिष्य आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी थे और ज्ञान सागर जी के ही शिष्य हमारे आचार्य भगवंत विद्या सागर जी थे। निश्चित है ऐसे महान पुरुषों का समागम, हम तो ये मानते हैं उनका चर्या, उनका आदर्श, उनकी एनर्जी आज भी विद्वान है। वह जिन शासन श्रवण संस्कृति का और प्रभाव न हो, ऐसे महान आचार्य भगवंत के चरणों में यही श्रद्धांजलि है। उनके आचार विचार, उनके सद्गुण हम सभी संतों में आए, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति से। हम लोग दिल्ली से संपूर्ण हमारा चतुर्विधि संघ उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता है। और कल दिल्ली में एक विशेष लाल मंदिर, प्राचीन जो लाल मंदिर है वहाँ के द्वारा एक विशेष दिल्ली में सामूहिक रूप से एक श्रद्धांजलि सभा है। हमारा यही श्रद्धा है कि आचार्य भगवंत भविष्य में संत से भगवंत बने। बोलो त्रिकल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय।